मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में शनिवार को हुए सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूछे गए आजाद कश्मीर वाले प्रश्न पर भाजपा और युवा मोर्चा ने कमलनाथ सरकार को घेरा है। हालांकि भाजपा की आपत्ति के बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए पेपर बनाने वाले शिक्षक को निलंबित करने का आदेश दिया है। रविवार को इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने नाहरपुरा चौराहे पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जब पुतले को आग लगा चुके थे और पुतला धू धू कर जल रहा था, तब पुलिस पानी की केन लेकर पहुंची। इसी दौरान हुई धक्का मुक्की में गिरने से एक पुलिसकर्मी को हल्की चोट लगी है। भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय ने मीडिया को बताया, मध्य प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार चल रही है, आप 10वीं का जो पेपर आया था कल प्रश्न पत्र, उसके अंदर आजाद कश्मीर की बात करते हुए उन्होंने, और जो कश्मीर पीओके के मामले में जो उन्होंने प्रश्न पूछा है वो आजाद कश्मीर के मामले में, कि आजाद कश्मीर का पेड़ से कोई लेना देना नहीं है, जबकि देश की अखंडता और इसका सवाल था, इसके कारण हमने उनके विरोध में प्रश्न पत्र जो उन्होंने पूछा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो इतना भी ध्यान नहीं रखी, जिसको यही नॉलेज नहीं है कि आजाद कश्मीर या कश्मीर पूरा भारत और सारा का सारा कश्मीर हमारा है, किसी कोई पीओके में और कोई कब्जे वाले नहीं, और भारत का अभी नंग है, उसी बात को लेकर आज युवा मोर्चा द्वारा यहाँ मध्य प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। इस तरह आगे विरोध प्रदर्शन रहेगा, आगे जो पार्टी का युवा मोर्चा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर इस मामले में जो आंदोलन होंगे, उसमें लगातार पार्टी अपना आंदोलन करती रही। जावरा में बीती रात को फोर लेन पर क्रॉसिंग के पास एक यात्री बस और डीजल टैंकर में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद ये दोनों वाहन साइड में खड़े हार्वेस्टर से जा भिड़े। इस दुर्घटना में एक यात्री की मौत हो गई जबकि 30 यात्री घायल हो गए। घायलों को जावरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ को रतलाम जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया। घटना शाम करीब 7:30 बजे की है। बजरंग ट्रेवल्स की बस मंदसौर से जावरा होकर उज्जैन जा रही थी। चुरूवाला दाल मिल क्रॉसिंग के समीप ड्राइवर को वहां पर बाइक चालक रोड क्रॉस करते नजर आया। बाइक चालक को बचाने की हड़बड़ाहट में बस चालक का संतुलन बिगड़ा और बस रतलाम की तरफ दूसरी पट्टी पर चढ़ गई और सामने से आ रहे डीजल टैंकर से टकरा गई। इस टक्कर के बाद दोनों वाहन घिसटते हुए साइड में खड़े हार्वेस्टर से जा टकराए। दुर्घटना होते ही आसपास खड़े लोग मदद के लिए पहुंचे। मौके पर पुलिस भी पहुंची। बस में सवार घायलों को इलाज के लिए तत्काल जावरा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से कुछ घायलों की स्थिति गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। रतलाम जिला चिकित्सालय में एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। घटना के बाद बस एवं डीजल टैंकर चालक का कुछ पता नहीं चला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लगभग 7:30-8 बजे की घटना है। मंदसौर साइड से बजरंग बस से आ रही थी और उस अनियंत्रित होकर जो रतलाम साइड से टैंकर आ रहा था उसमें टकरा गई। उसमें से लगभग 30 लोग घायल हैं, जिसमें से कुछ लोगों को रतलाम और नागदा और दो व्यक्तियों को उज्जैन रेफर कर दिया गया। ये पुल के नीचे दाल मिल के सामने ही घटना है। एक बच्ची है छोटी, घायल है। महिलाएँ लगभग 5 से 7 महिलाएं घायल हैं। अभी एक व्यक्ति गंभीर है, महिला गंभीर है, जिसको रतलाम के लिए रेफर कर दिया गया। शाम की है होली, काना की है होली, जैसे गूंजते भजनों पर फाग उत्सव मनाया गया। धान मंडी में श्री श्याम भजन मंडल द्वारा आयोजित फागोत्सव में जमकर रंग गुलाल उड़ाया गया। खाटू श्याम के गूंजते भजनों के तरानों के बीच भक्ति की मस्ती में भक्त थिरक उठे। Thank you.
रविवार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। सुबह जिला चिकित्सालय से प्रशिक्षु नर्सिंग स्टाफ ने रैली निकाली। यह रैली अस्पताल से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः अस्पताल पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता और बचाव का संदेश दिया गया, साथ ही कोरोना वायरस के लक्षण बताकर उपचार और सुरक्षा का जनमानस में प्रचार प्रसार करने की अपील की गई। इधर मदर चाइल्ड यूनिट MCH में पहुंची महिला कांग्रेस नेतियों ने महिला दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस नेतियों ने अस्पताल में महिला मरीजों को फल का वितरण किया और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। चंबल नदी में एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लाश की शिनाख्ती के प्रयास जारी हैं। ताल पुलिस को सुबह 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि समीप स्थित चंबल नदी में एक व्यक्ति की लाश पानी में तैर रही है। सूचना पर ताल थाना प्रभारी श्रीमती संगीता सोलंकी मयबल के साथ पहुंची। सूचना पर रतलाम से FSL का दल भी मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घटना स्थल पर जांच के बाद पंचनामा बनाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। लाश मिलने की खबर मिलने पर नागरिकों की भीड़ भी नदी पर लग गई थी। पुलिस के मुताबिक अभी लाश की शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन मृतक को 4-5 दिन से आसपास के गांवों में देखा जा रहा था, इसलिए पुलिस अब मृतक की शिनाख्ती के प्रयास में जुट गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अपने घर से करीब 3 माह से लापता एक मानसिक रोगी महिला के लिए महिला दिवस खुशियां लेकर आया। यह महिला है शारदा बाई उर्फ राधा, जो 13 जनवरी से घायल अवस्था में रतलाम जिला अस्पताल में भर्ती है। मानसिक रोगी महिला इंदौर के समीप मानपुरा के पास ग्राम जुलवानिया की रहने वाली है, जिसके ट्रेन हादसे में पैरों की उंगलियां कटी हैं। इसे रतलाम GRP ने भर्ती करवाया था। तब से अब तक महिला के सही पहचान और पते के लिए मशक्कत की जा रही थी। पता मिलने पर पति मूलचंद भाभा को सूचना दी गई। रविवार सुबह पति मूलचंद अपने बेटे गोविंद के साथ जिला अस्पताल पहुंचा। पति और बेटे को देख खुश हुई शारदा की आंखों से आंसू टपक पड़े। शारदा के 2 बेटे गोविंद गोपाल और बेटी ज्योति है। पति मूलचंद ने गुमशुदगी दर्ज करवा रखी थी। वह पटवारी उदय सिंह का ट्रैक्टर चालक है। मामले की जानकारी देते हुए गोविंद काकानी ने बताया, महिला दिवस के पहले सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। ये महिला 13 जनवरी को रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ट्रेन से टकराने से इसके दोनों पैर की उंगलियां कट गई और एड़ी में फ्रैक्चर है। GRP द्वारा इसको यहाँ जिला चिकित्सालय के पहले इमरजेंसी वार्ड और वहाँ से यहाँ आइसोलेशन वार्ड में ले लिया। चूँकि हालत बहुत गंभीर थी, मौत के मुंह में जा रही थी, ऐसी स्थिति में यहाँ के सभी डॉक्टर स्टाफ और सभी की मेहनत से धीरे धीरे रंग लाई। चूँकि ये मानसिक रोगी भी है, परिवार से मैंने जानकारी ली है, तो मानसिक रोगी है, रात को उठ के चल देना, और उसी कारण ये रात को बिना बताए घर से निकल के आ गई और आज ये स्थिति में है। और चूँकि महिला दिवस है और आज ये महिला को हम घर तक पहुँचाएं, इसके अंदर इंदौर का पुलिस कंट्रोल रूम, वहाँ के जवान, पलासिया थाने के जवान और उसके अलावा अपने यहाँ की जो पूरी टीम है, सभी का सहयोग सराहनीय रहा। रतलाम की जनता को एक और अच्छा महिला दिवस पर ये पुनीत कार्य करने का अवसर मिला। 3 महीने से पत्नी शारदा की तलाश में लगे पति मूलचंद का कहना है कि पत्नी मानसिक रोगी हो गई थी। वो रात को सोते समय अचानक उठकर कहीं भी चली जाती थी। रात को खाना वाना खाया नहीं और हम सब सो गए। रात को क्या पता कितने घड़ी उठ के चल रही, हमको किसी को बताया भी नहीं। हमको ढूंढते ढूंढते 2-3-4 महीने हो गए सर, पता ही नहीं चला हमको कहीं भी। आज हमको मतलब सुबह फोन आया तो फोन पे बोले रतलाम में सरकारी अस्पताल में भर्ती है वो, तो सर हम यहाँ आए ट्रेन में 9 बजे बैठ के। क्या नाम है आपकी पत्नी का? शारदा भाई। क्या परेशानी है इनको? सर वो दिमाग से मतलब थोड़े यह है वो। हाँ, तो निकल गई थी। कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं। घर में चल रहे मन्नत के आयोजन में गए 2 मासूम हाई टेंशन लाइन टूटने से घायल हो गए। खबर के मुताबिक रावटी थाना क्षेत्र के ग्राम गंगायता पाड़ा में घर के बाहर खेल रहे 2 मासूम हाथ धोने हेडपंप पर चले गए। इसी दौरान हाई टेंशन लाइन टूटकर नीचे गिरने से फैले करंट से दोनों झुलस गए।
परिजनों ने घायल 12 वर्षीय विकास पिता अमृत तथा 9 वर्षीय निव्याश पिता जितेंद्र को जिला अस्पताल के बर्न यूनिट में इलाज हेतु भर्ती कराया। परिजन राजेश बागड़े ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, ये ग्राम गंगाता पाड़ा में हुई है। सुबह 9 बजे का हाई टेंशन लाइट जा रही थी, जिसका बिजली का तार गिरने से 2 बच्चे घायल हुए हैं। एक का नाम निव्यांशु, उम्र 9 साल का है, और दूसरे का नाम है अमृत, विकास पिता अमृत, निवासी गंगाता पाड़ा। दोनों बच्चे खेल रहे थे, हाथ धोते समय उनके ऊपर बिजली का तार गिरा है, जिससे घायल हुए हैं। क्या कार्यक्रम का आयोजन था? ये मोहन उत्तरा प्रोग्राम में गया था, बालक यहाँ पर था।